नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है देश के भीतर, कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, सिर्फ उठा वाले विपक्षी दलों में कैसे हराएंगे बीजेपी को? बता रहा हूँ, 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है, तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने लोग 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, एक इकट्ठा करे, और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, 80 करोड़ लोगों तक, 80 करोड़ मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, वही 80 करोड़ मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, हाँ वही बता रही हूँ, 80 करोड़ लोगों तक जो मुफ्त में राशन है वो जा रहा है, तो उसकी काट तो किसी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं। आपको कैसे पता है, ये आपको कैसे पता है, हर चीज का दुनिया में काट है। अगर हिंदुत्व है, हिंदुत्व के आधार पर 100 में 38 आदमी वोट दे रहा है, तो गांधीवाद भी है, अम्बेडकराइट्स भी है, कम्युनिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, जो कि 62% है जो कि उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो विचारधारा के आधार पर भी हिंदुत्व इन चारों विचारधाराओं को अगर सम्मिलित कर दे तो उससे बड़ा नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद पर उनकी एक परिभाषा है, उनका एक प्रयास है, राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनका एक अपना तर्क है कि राष्ट्रवाद पे उनकी जो स्थिति है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। उनके पास मोदी भी तो हैं। नहीं, वो तो देखिए, कोई भी जब नेता, नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज के डेट में, बीजेपी ये सवाल पूछती है बार बार। आप पार्टी हैं या ब्रोकर? ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हरा नहीं सकता है, टोटल वोट ही आपको 38 आया है 100 में। लोगों ने, पार्टियों ने, नेताओं ने 10 साल 15 साल शासन किया है, ये डेली का न्यूज बुलेटिन थोड़ी है कि 9 बजे उसको नया न्यूज लेकर ही आना है। अगर 10 साल से भाजपा का शासन चल रहा है, 15 साल लोग रहे हैं देश में प्रधानमंत्री, आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आप सीधे शब्दों में कह दीजिए ना कि 24 में फिलहाल कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों कह दूं? क्योंकि 3 उनके मुद्दे हैं, आज तक नहीं चाहता है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 10 साल हो जाएंगे, उसके आगे भी हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। मेरे शब्दों को अपने हिसाब से अमित शाह जी की ओर से कहा गया है, मैं आपको कि 24 में वो आ रहे हैं, किसी को कोई शक और शुबा इसमें नहीं होनी चाहिए। अपनी पार्टी के नेता हैं तो क्या कहेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूँ? बंगाल में अमित शाह जी ने क्या कहा था? आप लोगों ने चैनल पे क्या चलाया कि मुझे 200 सीट आ रहा है? अभी कभी आपकी हिम्मत पड़ी है पूछने की आज तक कि अमित शाह से कि आपने कहा था 200 सीट, आपको कितना सीट आया? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। पूछा गया था कई बार, क्या बोला बता दीजिए, वही दर्शकों को बता दीजिए क्या बोला। मुझे अपने घर जाना है। कि आपकी रुचि है ही नहीं कि जो सही के मुद्दे हैं उसको पकड़ने की, आपकी रुचि यह है कि हेडलाइन क्या बनाएगा, आपकी रुचि इसमें नहीं है कि मैं गांव में क्या देख रहा हूं। किसी मीडिया या किसी टीका टिप्पणीकार की इसमें रुचि नहीं है कि बिहार में समाज के स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी रुचि इसमें है कि भाई चुनाव कौन जीतेगा, मोदी जी हारेंगे कि नहीं हारेंगे। अरे भाई, जो मोदी जी को हराने जिताने का जिन लोगों ने ठेका लिया हुआ है उनको वो काम करने दीजिए। मैंने ठेका लिया हुआ है, मुझे बिहार की जनता को समझाना है कि भाई तुम अपने बच्चे के लिए वोट करो। अगर जनता ये समझ जाएगी तो उसको मालूम है कि अपने बच्चे के लिए किसको वोट करना है। आपको क्यों घबराहट हो रही है? आपकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर आ।